हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। किसी भी बार मैग्नेट के इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, मैंने यहाँ पे वो सारे नोटेशंस लिख रखे हैं जो जो हमें इस डेरिवेशन में यूज आने वाले हैं। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि भाई हमारे पास में एक मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास में एक मैग्नेट है, ये वो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल मान लीजिए, इसका साउथ पोल मान लीजिए, और ये है इसकी मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। और इक्विटोरियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ मैंने प्लस एम मान लिया, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ मैंने माइनस एम मान लिया। अब ये जो इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस है वो ए मान ली, और साउथ पोल की डिस्टेंस भी मैंने ए मान ली, और जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो एल होगी, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हो गई आर। मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैंने यहाँ पर एक इमेजनरी पोल रख दिया नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैंने प्लस एम मान ली। तो देखो मैंने क्या क्या जो जो उसके अंदर अज्यूम किया वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, और एल इज इक्वल्स टू कितना है, टू ए है, एल इज इक्वल्स टू टू ए, और स्मॉल ए है जो है डिस्टेंस ऑफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट, स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, और एम नॉट है जो इमेजनरी पोल है इसकी पोल स्ट्रेंथ। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इसी से हमें फिर अब आगे प्रोसीड करना है। अब मैंने क्या किया बच्चों, कि मैंने देखा कि जो नॉर्थ पोल है ना, ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल अगर इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो ये जो रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी एम, ये नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये आर है और ये ए है, ये वाली डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, और पाइथागोरस से अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी एक्स वो आ जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से जैसे मैंने इसका बी एन आया है, अगर मैं इस साउथ पोल का इफेक्ट देखूँ तो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनको मिलाने वाली लाइन इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बी साउथ आ जाएगा, और ये आर और ये ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बी एन क्या है। बी एन है, बी एन इज मैग्नेटिक फील्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ पोल, ओके, और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स ए वाली डिस्टेंस है, स्मॉल एम जो है इसका पोल स्ट्रेंथ है, इसकी डायरेक्शन ये बी एन हो गई, और बी एस क्या है, साउथ पोल का इफेक्ट। तो मैं बी एस इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू हो जाएगी, बस डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, बी एन की डायरेक्शन ये है और बी एस की डायरेक्शन ये है, बाकी दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो आप लोगों ने देखा कि जो बी एन की वैल्यू है वही बी एस की वैल्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शंस क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं। अभी डायरेक्शन जो है अगर मुझे चाहिए हो तो देखो मैं कैसे करूँगा, मुझे इनके दो कंपोनेंट करने होंगे, तो वाई में और एक्स में। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा होगा, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना, देखो ये तो कॉमन साइड हो गई दोनों की, ये ए कॉमन है ही है, और ये दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली लेंथ बराबर, ये बना बराबर, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना होगा, थीटा,
और ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। देखो बी एन का इधर कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, बी एन कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा बी एन साइन थीटा। इस तरह से बी एस का इधर कितना हो जाएगा बी एस कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा बी एस साइन थीटा। देखो जो वाई डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट्स है ना, ये तो सेम है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि बी एन और बी एस तो बराबर है, साइन थीटा दोनों में है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये ऐड हो जाएंगे तो देखिएगा कि मैं इसकी इक्वेशन को कैसे लिखता हूँ। जो ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस विल ऐड एंड गिव रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों जुड़ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो कितना देंगे, देखो बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। इक्वेटोरियल लाइन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। अब मैंने आपको बता रखा है कि बी एन और बी एस तो आपस में क्या है, बराबर है, तो ये बी एन कॉस थीटा, इसे भी मैं बी एन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और ये दोनों कितने हो गए टू बी एन कॉस थीटा। अब बी एन की वैल्यू तो मैंने आपको बताई दी थी कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो बी एन की वैल्यू तो मैं पुट कर रहा हूँ इसमें म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा मैं इस ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए, और हाइपोटेनस कितना है एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं ए अपॉन एक्स, जैसे ही मैंने ये वैल्यूज पुट करी तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये एम, इस टू को मैंने इस ए के साथ में लिख दिया, और ये हो गया एक्स टू, ठीक है ना। अब देखो जो एम इंटू टू ए है ना, ये क्या है पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, जिसे हमें पता है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, इसको तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख देंगे, और जो एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कैपिटल एम अपॉन एक्स क्यूब। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, एम इंटू टू ए, और ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, और जो एक्स एस की वैल्यू थी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। बी आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस है कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। जो मैंने मैग्नेट लिया है वो बहुत शॉर्ट मैग्नेट है, और जो आर है वो ए के बजाय बहुत ज़्यादा है, ये ए बहुत छोटा है और आर बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं आर की जो टर्म्स हैं उसके रिस्पेक्ट में ए की टर्म्स को नेगलेक्ट कर दूंगा, और जब नेगलेक्ट कर लूँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, देखो ए तो हट गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, टू से टू कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया आर क्यू, ये मेरा रिजल्ट है। और क्वेश्चंस में ये रिजल्ट ज़्यादा यूज़ होता है,
है ना। ये रिजल्ट आपको तब यूज़ करना है जब आप जैसे कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे रखी है, तो आप देख लो कि अगर आर की वैल्यू ऐसे बहुत ज़्यादा है तब तो डायरेक्ट यही लगा दो। और कंपेरिजन करता हुआ ऐसा, जैसे मान लीजिए ए है 10 सेंटीमीटर, आर है 15 सेंटीमीटर, इस टाइप के आसपास की कोई वैल्यू है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और बाकी फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला ये। एक और ख़ास बात जो नज़र आ रही है बच्चों उस पूरे डेरिवेशन में, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन कैसे निकालनी है हमको, आपने देखा कि साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है पूरे मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। जैसे अगर ये लेफ्ट टू राइट है एम, तो साउथ टू नॉर्थ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, ये लेफ्ट टू राइट है तो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, और अगर इक्वेटोरियल लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट होगा, एम के अपोजिट होगा। इक्वेटोरियल पर एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड एम वेक्टर, फिर वो चाहे पॉइंट जैसे इस एक्सिस पर, इस इक्वेटोरियल लाइन पर ऊपर है तो इधर हो गया, नीचे है तो इधर हो गया, ठीक है ना। एम इधर होगा तो ये किधर होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में होगा। इसे आप कैसा भी केस ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा मैग्नेट बना दिया, ये ऐसा, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये तो एक्सिस होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी, तो इसका एम किधर है, इधर की तरफ, तो बी किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पर। और बी इक्वेटोरियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, मतलब आर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, थोड़ा दूर जाऊँगा तो कम होगा, थोड़ा दूर जाऊँगा तो कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ने पर ये कम होता जाएगा। तो ध्यान रखो कि दो बातें, ये रिजल्ट और ये डायरेक्शन, न्यूमेरिकल करते समय डायरेक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। तो डायरेक्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एम वेक्टर के अपोजिट होती है।